हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन राइट बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आई थिंक थ्री टू फोर आपके डी हैं इसके देखो फर्स्ट वन क्या कहते हैं लैक ऑफ इनिशिएटिव अब देखो अगर आपको याद हो मीनिंग में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर हर एक एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हैं एज पर द रूल्स जो भी कंपनी ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स के सेट्स बना रखे होते हैं जो भी प्लान प्रोसीजर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो ठीक है प्लस अथॉरिटी जो अथॉरिटी uh, रिलेशनशिप होता है ना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप वो भी क्लियरली डिफाइन किया जाता है तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इम्प्लॉय कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता है ना अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर पाएगा जो उसे असाइन किया गया है इस तरह करना है इतने टाइम में करना है इस डेट को करना है वो वैसे उस मेथड से ही करेगा जो उसे असाइन किया गया है तो कहीं ना कहीं ऐसे चीज होने के कारण उसके अंदर रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है है ना कि मतलब जो भी कई बार देखो आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन ना बहुत क्रिएटिव होते हैं अगर आप उनकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर देते हैं ना तो उनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती ठीक है ना उन्हीं जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना उनके एक टाइम ऐसा आता है कि वो इनिशिएट लेना ही बंद कर देते हैं तो हमारा डी मारिट फर्स्ट भी यही बोल रहा है कि लैक ऑफ इनिशिएटिव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन द employees हैव टू डू वट दे आर टोल्ड टू डू एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग और उनको सोचने समझने की तो अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड नहीं की जाती ठीक है दस देर इनिशियेटिव गेट्स स्लैकंड होता क्या है एज ए रिजल्ट जो उनका इनिशियटिव होगा जो उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है ठीक है वो उनकी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है सेकेंड वन इज प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स ऑटोक्रेसी ऑन एम्प्लॉयज देखो अल्टीमेटली होता क्या है आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है अब ये रूल्स ये प्लान बनाएगा कौन जो भी आपके टॉप लेवल के ऑफिसर्स होंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स की ऑटोक्रेसी होती है उस चीज का इम्प्लॉयज़ के ऊपर एक प्रेशर बना रहता है ठीक है मतलब कई बार आपके और एक चीज़ और जो आपने उन्होंने रूल्स बना दिए है ना ऑफिसर्स ने जो रूल्स बनाए हैं प्लान्स बनाए हैं उसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है ना वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है रिग्रेस होता है ठीक है तो सेम रीज़न इसके कारण भी आपके जो इम्प्लॉइज हैं आपके जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है देखो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज आर ऑलवेज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड ऑफ द ऑफिसर्स एंड रिगरस इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स रिजल्ट ऑफ विच एफिशियज रिड्यूस्ड और अल्टीमेटली होगा क्या इंप्लॉयज की एफिशियंसी कम हो जाएगी क्योंकि देखो एक चीज है अगर आपसे भी कोई काम करवा रहा है और आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके काम करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप सिर्फ उसे फॉर्मेलिटी समझ कर परफॉर्म कर रहे हो है ना आप उसके कोई भी डेलीजेंसी के साथ नहीं परफॉर्म करते हो तो जब आप कोई भी काम डेलीजेंसी से नहीं करते हो बस एक फोर्सफुली कोई काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशियंसी सफर करती है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका डिले इन वर्क देखो जब भी आप कोई काम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके करते हो ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है अननेसेसरी डिलेज होते हैं उसमें क्यों आपको प्रॉपर हरारे की फॉलो करनी पड़ेगी यू हैव टू फॉलो प्रॉपर सीक्वेंस सपोज आपने पर्सन ए से लेके पर्सन एफ तक पहुंचना है तो आपको ए बी सी डी ई एफ तो आपको फोर फाइव पर्सन के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा ठीक है ना तो क्योंकि तो कहीं ना कहीं आपके जो वर्क्स हैं वो भी डिले होंगे और वो डिले भी अननेसेसरी डिले होता है वो चाहे तो रोका भी जा सकता है बट स्टिल आप फॉर्मली कर रहे हैं हर चीज रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो हैव टू अननेसेसरी डिले लास्ट आपका डी मारिट आता है मैकेनाइजेशन ऑफ देखो इसमें क्या कहा गया है डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट पीपल दे आर बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर अदरस इवन इफ दै डिजायर सो हम क्या करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करते हैं कि किस पर्सन का किस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है मीन्स इज सुपीरियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट ऑफ दैट तो इससे होता क्या हम उन्हें बाउंड कर देते हैं हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो एडवांटेज उठाए नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन का ठीक है तो कहीं ना कहीं ये मेरिट्स है या ड्रॉबैक्स है और वी कैन से आपकी तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका डिमेरिट और वी कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फोर डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हमने फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशियेटिव सेकेंड वन इज प्रेशर ऑफ ऑफिसर्स ऑटोक्रेसी ऑन एम्प्लॉयज Third one is delay in work. Fourth one is mechanization of relations. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.